किसको किसको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है चिकन लेग पीस, मैं बहुत चिकन लेग पीस खाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे हो गए, अपने घरों में स्वस्थ हो गए। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे मतलब आज ब्लॉग में कुछ खास होने वाला है, और वो क्या खास होने वाला है आप लोग देख के बताना है। मैं अभी लोग को आप लोग को आगे आगे ब्लॉग दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ खाना और आप लोग को मैं दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ, और आज कुछ खास होने वाला है फ्रेंड्स। आप लोग जरूर देखना और मेरे वीडियो को लाइक करना। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को पूरा देखना और आप वीडियो में बने रहो, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी मेरा चावल हो रहा है और मैं इधर जा रही हूँ रोटी बनाने, और आप लोग को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं इधर जा रही हूँ अभी रोटी बनाने और आप लोग को दिखाती हूँ। और उन्हीं के पापा गए चिकन लाने और वो आते हैं, तो मतलब मैं चिकन बना के उसकी रेसिपी आप लोग को शेयर करती हूँ। और आप कमेंट करना कि आप लोग कैसे चिकन बनाते हो, और आप लोग मतलब हमारा चिकन कैसा मतलब बनता है, और आप लोग अपना बताना कमेंट करके कि हम लोग भी मतलब चिकन कैसे बनाते हैं। हमारे इधर तो गांव जैसा ही चिकन बनाते हैं फ्रेंड्स, जैसे गांव में हम बनाते हैं वैसे इधर भी बनाते हैं। बहुत लोग होते हैं ना अलग अलग सा चिकन बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अवनी के पापा आते हैं तो हम लोग आप लोग को चिकन का ब्लॉग देते हैं। अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग बताना कमेंट में। सो फ्रेंड्स, मैं आगे मिलती हूँ आप लोग को ब्लॉग में, और उनके पापा चिकन लेकर आते हैं तब। सो फ्रेंड्स, मेरा चिकन आ गया है और मैं अभी बनाने जा रही हूँ, और आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं चिकन कैसे बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा चिकन आ गया है और मैं अभी बनाने जा रही हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और मैंने दो ये लाल मिर्च लिया है, और ये थोड़ा सा मेथी, हम लोग चिकन में मेथी का मतलब छोंक लगाते हैं, और ये मसाला है जो इसमें थोड़ा सा मतलब गरम मसाला नहीं है, इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा कांदा है, और वो क्या लाल मिर्च है, और बस थोड़ा सा लहसुन है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए मैं कैसे चिकन बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने मेथी इसमें डाल दी, अब ये लाल होगी और मैं इसमें अभी लाल मिर्च डालूंगी, ये लाल होने तक मैं भी इसमें लाल मिर्च डालूंगी। सो फ्रेंड्स, मेरे मतलब मेथी एकदम लाल हो चुकी है और मैं इसमें लाल मिर्चा डाल रही हूँ। इसे लाल होने में ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, ये तुरंत होने। देखिए मेरे कढ़ाई में से धुआं निकला है, अभी तेल पूरा एकदम हाई हो गया है, और इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अब मैं इसे चलाऊंगी। अब मैं इसी के साथ डालूंगी प्याज, इसको हमें जब तक लाल हो जाए तब तक भूनना है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी प्याज इधर लाल हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी अपना चिकन, इसमें चिकन डाल देती हूँ और इसको चलाती हूँ। आप लोग कमेंट में बताना फ्रेंड्स कि आप लोग चिकन कैसे बनाते हो, हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, हम लोग गांव में भी ऐसे ही बनाते हैं और इधर भी ऐसे ही बनाते हैं। आप लोग हमें जरूर बताना कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो हमने इसे चला दिया और हम इसे ढक के रखेंगे जब तक ये थोड़ा पक न जाए तब तक। इसे पकने के बाद थोड़ी देर बाद हम दिखाते हैं आपको। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा चिकन अभी पूरा लाल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरह से लाल हो चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, और वो क्या क्या मसाला डाल रहे हैं हम आपको बताते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये अदरक और लहसुन और प्याज का थोड़ा सा पेस्ट है, और इसमें दो मिर्चा है बस, वो क्या लाल वाला। हम इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हाई फ्लेम कर लेते हैं। और ये मसाला है, हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है, और इसमें थोड़ा गरम मसाला है, धनिया पाउडर, सब कुछ इसमें मिक्स है। और मैंने इसमें एक पैकेट ये गरम मसाला राजेश मसाला डाला है, जो हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हमें इसे चलाना है, ये जब तक हम चलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से पक ना जाए और इसमें थोड़ा सा ये ऑयल बाहर ना निकल कर आए, उसे तब तक हमें इसे ढककर पकाना है, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे।
तो फ्रेंड्स अभी हमारा चिकन पूरी तरह से पक गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो फ्रेंड्स मैंने इधर पानी रखा था जिसमें मैंने मसाला धोया था, मैंने उसी में पानी रखा है, आप लोग देख सकते हो। मतलब हम लोग जितना पानी इसमें डालेंगे उसके मेजरमेंट के हिसाब से इसमें थोड़ा ही पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, ज्यादा डालूंगी तो हमारा चिकन अच्छा नहीं बनेगा, आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये पके तो थोड़ा सा इसमें बचे पानी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसमें नमक डाल दिया है फ्रेंड्स, हमें थोड़ा पानी कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ इसमें, हो गया। अभी हम इसे चला देंगे, नमक थोड़ा मिक्स हो जाए और हमारा चिकन ये सब रेडी है। और अब हम इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। ये कितना मिनट लगेगा पकने में अभी मैं आप लोग को बताऊंगी, अभी मैं इसे ढक देती हूँ पकने के लिए। इसे पकने के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हमारा चिकन बन चुका है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग बताना मेरा चिकन कैसा बना है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने और हम आप लोग को खाना खाने के बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा खाना हो चुका है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। और ये देखिए अवनी का, अवनी अवनी क्या खा रही हो बता दो, अवनी इधर देखो क्या खा रही हो बता दो, बता दो, या देखो पूरे मुंह में भर के बैठी है। सो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद हम आप लोग को मिलते हैं। तो फ्रेंड आज का हमारा चिकन का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके बताना। सो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारा ब्लॉग कैसा था, अच्छा था या नहीं था। तो फ्रेंड इसके लिए आप लोग को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आप लोग पूरा वीडियो जाके देखना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना फ्रेंड्स तो हमारा वीडियो आप लोग के पास जाता रहेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे वीडियो को प्यार देना। बाय फ्रेंड्स।